देखो ये आप बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे कहते हुए कि आपने दिया था 3,000, लेकिन आपको आपका पैसा ही मांगने के लिए आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है, और डिस्काउंट दे दे के कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तो दूसरे लोग को भी लोन नहीं देगी, क्या मतलब है कि नहीं सर? नहीं सर, वो कंपनी नहीं चलाता है इसलिए वो शटडाउन हो रहा है, कर को बोल रहा है। ठीक कंपनी है, शटडाउन हो रहा है ना? इसलिए कितना होना अमाउंट उतना, सब भी कितना मिलेगा उतना ले लेंगे सर, उतना ही डिस्काउंट देकर। सर देखो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कंपनी को तो एक भी रुपया नहीं देंगे, लेकिन आपको चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। कंपनी क्या सर? को एक रुपया नहीं देने वाले, हम लीगल नोटिस भेजा है सर। नहीं, वो लीगल नोटिस है नहीं सर, वो तो ऑफर चल रहा है, आपको डिस्काउंट में देगा करके बता रहा था। नहीं, उसके पहले आपका नोटिस आया, घबरा गया ना सर, बहुत डर गया वो सर। ओके सॉरी, वो आपको नहीं, आपको नेक्स्ट मैसेज में सेंड किया हूँ, देख लिया क्या हाँ नेक्स्ट उसने बताया मैसेज? मुझे कि ऑफर दे रहे सर, कंपनी ऑफर दे रही है मेरे हाँ को कि 2,200 रुपये पैसा भरने के बाद उनको फोन करो, राइट? हाँ सर आप नहीं, एडवोकेट है सर? आप एडवोकेट है सर? लीगल डिपार्टमेंट से सर। हाँ लीगल डिपार्टमेंट से, तभी लीगल एक्शन आप लेंगे सर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर बंदे को। नहीं, लेगा सर। ओके एक मिनट बात सुनिए मेरा, वो हाँ अमाउंट है ना, वो कितना है उनका अमाउंट पता है क्या आपको? नहीं सर नहीं पता है, आपने खाली 2,200 मांगा है फिलहाल तो। एक मिनट सर, देख रहा हूँ। हाँ देखिए देखिए सर। हाँ सर, उनका अमाउंट है 3,000 है ना? अच्छा 3,000 रुपया है, तो आपने उसको 800 रुपया डिस्काउंट दिया, सर एक मिनट आपने आठ सौ सर, रुपया डिस्काउंट दिया ना उसको? आज तो मैं क्या करेगा वो, क्या क्रिसमस बनाएगा वो सर? सर 800 रुपये डिस्काउंट में क्या करेगा सर वो, थोड़ा और डिस्काउंट दीजिए ना सर थोड़ा। सर वो नहीं सर, कंपनी का इतना ही दे सकते, लिमिट उतना ही है, लास्ट 2,000 तक देगा सर, उतना ही, दो अच्छा हजार मतलब तक हो 800 रुपये जाएगा अच्छा क्या? अच्छा देखो ये आप बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे कहते हुए कि आपने दिया था ओके 3,000, लेकिन आपको आपका पैसा ही मांगने के लिए आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है, और डिस्काउंट दे दे के कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तो दूसरे लोग को भी लोन नहीं देगी, क्या मतलब है कि नहीं सर? नहीं सर, वो कंपनी नहीं चलाता है इसलिए वो शटडाउन हो रहा है, कर को बोल रहा है। ओके कंपनी शटडाउन हो रहा है ना? इसलिए कितना होना अमाउंट उतना, सब भी कितना मिलेगा उतना ले लेंगे सर, उतना ही डिस्काउंट देकर। सर देखो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कंपनी को तो एक भी रुपया नहीं देंगे, लेकिन आपको चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। कंपनी क्या सर? को एक रुपया नहीं देने वाले हम, क्यों सर? नहीं अभी सारी कंपनियां बंद हो रही है, हैदराबाद पुलिस लीगल एक्शन पे आ गई है, अलग अलग राज्य में लोग कंप्लेन लिखवा रहे हैं, तो आपको पता ही है ना सर, आपने तो देखा ही है और सुना भी है, तो आपको कुछ मदद की आवश्यकता है तो हम आपको मदद दे सकते हैं सर, लेकिन कंपनी के लिए हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। हम चाहते हैं कि कंपनी जितनी भी कंपनी है लोन एप्लीकेशन बर्बाद हो जाए, उनके मालिक आत्महत्या करे, आजकल जो लड़के लोग ने आत्महत्या किया है लोन वालों के टोर्चर से, अब हम चाहते हैं कि मालिक लोग आत्महत्या करे, जो कंपनी के जो मेन बड़े आता है वो। वही तो है सर, वो लोन नहीं दे रहा है अभी, और 3 दिन से नहीं लोन दे रहा है सर, नया लोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब भी क्या सर है? इसमें गलती क्या हो गई सर मालूम है क्या? अगर एजेंट लोग हाँ थोड़ा कांटेक्ट लिस्ट का डर नहीं दिखाते, थोड़ा उनके प्रेशर बनाते तो पैसा मिल जाता, लेकिन क्या हो गया कांटेक्ट पे अटैक करने से क्या हो गया, बहुत प्रॉब्लम बड़ी हो गई सर, बहुत बड़ी समस्या हो सर गई है, तो हमें कुछ वैसा ही हेलो सर, वैसा ही है, उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना सर, वो जो लोन लेता ना, और वो आप तीन लीगल चार या डिपार्टमेंट मत, दस कम आप लीगल दस एक मिनट सर, हाँ मेरा बात सुनिए, 10 हाँ एप्लीकेशन 10 लोन कंपनी के साथ लिया तो हाँ ओके, 3,000 लिया तो कितने हुए सर? 10 कंपनी30,000 के का साथ हो गया 30,000 उसका होगा ना, 30,000 रीपेमेंट नहीं करने हुए, वो ऐसा कर देगा तो हमको क्या पता है? बोलिए, हम क्या करना तो। है?
30,000 तो लिया है, रीपेमेंट करने नहीं होता तो क्यों लेना बोलिए सर। कंपनी से 3,000 लिया तो कैसे है बोलिए आप ही बोलिए। लेकिन सारी कंपनी बंद तो हो ही जाएगी ना, आपको तो लगता ही है ना बंद हो जाएगी। हो रहा है सर, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा कुछ, क्योंकि कुछ आरबीआई से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। आपको पता है ये जितनी भी कंपनी है ना, कैश बिन, रूफिलो, कैश इन, यू कैश, ए कैश, ये सारी कंपनी के पीछे उसका बड़ा मास्टरमाइंड कौन है पता है कि इनको बंद करवाने के पीछे कौन है सर? मैं हूँ। ये सब कंपनियों को बंद कराने के लिए सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मैं ही हूँ, जो मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा, कोर्ट में अर्जी दी, ये सारी चीजें करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। सारी लोन कंपनी का दुश्मन मैं, ये मैं ही हूँ। मेरा नाम है मयंक ठक्कर, जो मैंने सारी कंपनी को अकेले टक्कर दे दी। और आप लोग अपने आप को लीगल डिपार्टमेंट से तो बोलिए ही नहीं, क्योंकि आप लोग का कंपनी ही सर अनलीगल है, तो लीगल डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया उसमें सर? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी ये काम छोड़ के कोई अच्छे काम पे लग जाइए। आपका भी परिवार है सर, माँ बाप है। कल सवेरे पुलिस आपको लेके जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आपकी माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा सर। कंपनी छोड़ दीजिए, मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आपको भविष्य में कोई काम की आवश्यकता पड़ी आप मुझे बिंदास याद कीजिए। हम एजेंट के दुश्मन नहीं है, हम इंसान के दुश्मन नहीं, हम लोग कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है। जो सिस्टम है कॉन्टेक्ट हैक करके, कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करना, उसके हम लोग विरोध करते हैं। आपका पैसा आप लोग मांगते हो उसका हमें कोई विरोध नहीं है सर। मेरा नाम मयंक ठक्कर है सर, आप सेव कर लीजिए। मेरा नंबर आपके पास तो आ ही गया है। और ये लीगल डिपार्टमेंट जो भी आपका है वो पूरा अनलीगल ही, तो उसको छोड़ दीजिए। लीगल डिपार्टमेंट मत बोलिए उस चीज को सर। आपने अपने डीपी में कुछ गवर्नमेंट का सिंबल रखा है ना, सत्यमेव जयते का सिंबल रखा है ना आपने, वो रखना भी अनलीगल है पता है आपको, कायदे के हिसाब से आपको पता है वो रखना भी अनलीगल है। क्योंकि आपका कोई पास गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है नहीं सर, क्या आप लीगल डिपार्टमेंट के कोई सरकारी कर्मचारी तो है नहीं। आई एम राइट और रॉन्ग सर? सर ओके, हमारे के लिए अभी काम चल रहा है इधर, काम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे सर। ठीक है ठीक है, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप मुझे आराम से कॉल करना सर। ओके।